बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। प्रशासन की मिलीभगत से सत्संग का हुआ है आयोजन। बिना मास्क लगाए हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं लोग। मीडिया कर्मियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी। इस वक्त की बड़ी खबर, मोबाइल छीनने का किया गया है प्रयास। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला लकूला का है ये पूरा मामला। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। जहां बिना किसी मास्क के लोगों का आना जाना चल रहा है, जब प्रशासन की मिलीभगत से सत्संग का हुआ है आयोजन, जहां बिना मास्क लगाए हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं लोग। मीडिया कर्मियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी। जहां मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया है मीडिया कर्मियों के साथ में। कोतवाली सदर क्षेत्र का मोहल्ला लकूला का है ये पूरा मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य मंत्री अतुल गर्ग के आवास पर मीटिंग हुई है। 2022 चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर मीटिंग की गई है, जहां मंत्री सुरेश खन्ना, रीता बहुगुणा, ब्रिजराल मौजूद रहे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है निरीक्षण। प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का किया गया है निरीक्षण। बच्चों की किताबें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया किट। जिलाधिकारी के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है निरीक्षण। प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिनके साथ तमाम लोग मौजूद। बच्चों को किताबें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया है किट। जिलाधिकारी के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर।